अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली कम्प्लेक्स एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स की। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, जिसकी वजह से सब्सटांसेस ईजिली इनकी बॉडी में मूव भी कर जाते हैं और बॉडी से बाहर भी आ जाते हैं। और ये सब्सटेंसेस जो हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इनमें गैसेस होती हैं, इसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और ये ईजिली इनकी बॉडी से इन और आउट हो जाते हैं बाय सिंपली डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इन्हें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स के केस में भी। तो डायग्राम में आपको जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स शो हो रहे हैं, जो कि प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। इसी तरह आपको सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो है वो स्पॉन्जिस की डायग्राम शो की गई है, और इसी तरह आपको सी एनिमोन की डायग्राम शो की गई है, जो कि सेकेंड फाइलम से बिलोंग करते हैं एनिमल्स के। अब हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा को स्टडी करते हैं। हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर एनिमल है, पानी के अंदर रहता है, और इसकी बॉडी जो है वो सिंपल होती है और टू लेयर्स की बनी होती है। इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसमें जो आउटर लेयर होती है इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर बॉडी लेयर जो होती है इसको एंडोडर्म कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो है एक मीजेनकाइमा होता है, जेली लाइक मटीरियल। जो आउटर लेयर होती है वो बाहर एक्सटर्नल वाटर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को अंदर होती है, और वो वाटर को फेस करती है, और वो एक्सटर्नल लेयर जो है वो डायरेक्ट वाटर से कम्युनिकेट करके जो है न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का एक्सचेंज कर सकती है। हाइड्रा की बॉडी जो है उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं। माउथ जो होता है वो डिफरेंट एक्सटेंशन से, टेंटिकल से कवर होता है। टेंटिकल हेल्प करते हैं वाटर को, वाटर करंट्स को माउथ के थ्रू एंटर करवाने में कैविटी के अंदर, जिसको एंटीरॉन भी कहते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं, सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। जब माउथ से वाटर एंटर होगा तो वो वाटर जो है वो कैविटी के गिर्द जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एंडोडर्मल सेल के अंदर एंटर होंगे बाय एंडोसाइटोसिस। फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास हो जाएंगे टू द एक्टोडर्मल सेल्स। इसी तरह जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा वो फाइनली दोबारा वाटर के अंदर, कैविटी के अंदर मौजूद वाटर के अंदर चले जाएंगे, और वो माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे। एक्टोडर्मल लेयर जो है वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करती है एक्सटर्नल वाटर के साथ, और वो वहां से भी न्यूट्रिशन हासिल कर सकती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लेनेरिया में जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। प्लेनेरिया जो है वो थर्ड फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिन। ये भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी जो है वो थ्री लेयर से बनी होती है, और उस वो थ्री लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके मीजोडर्म जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड लेयर नहीं होती है। आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि इसकी रीजंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी बॉडी जो है वो फ्लैट है, उसका सरफेस एरिया लार्ज है, एक्सचेंज जो है वो इजिली पॉसिबल है बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसके बाद जो है सेकेंड रीजन जो है, प्लेन एरिया में बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, सिलोम मौजूद नहीं होती। इसमें जो है मिडल लेयर, उसको मिजोडर्मल लेयर कहते हैं, मिजेनकाइमा कहते हैं, जिसमें लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। ये प्रॉपर मिजोडर्म नहीं है, जिस तरह के आगे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर मोस्ट को एंडोडर्म कहते हैं। जो मटेरियल्स हैं लाइक गैसेस, वो डिफ्यूज करेंगी, एंटर होंगी एक्टोडर्म में, और फिर मिजोडर्म में जाएंगी, और फिर वो एंडोडर्मल सेल्स में चले जाएंगी। इसी तरह जब वो गैसेस, वेस्ट गैसेस रिमूव होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, वो एंडोडर्म से मिजोडर्म, मिजोडर्म से एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से सराउंडिंग वाटर में चले जाएगी, क्योंकि ये प्लेन एरिया जो है वाटर में ही रहता है। इसके बाद हम लोग, प्लेन एरिया के अंदर इंटेस्टाइन होता है जिसकी ब्रांचेज होती हैं, और वो ब्रांचेज जो हैं वो सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं वो मूव कर देते हैं इंटेस्टाइन से बाहर थ्रू फेरिंग्स, जो कि माउथ के साथ कनेक्टेड होता है, और ये एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल जो है वो फेरिंग्स के थ्रू जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, वाटर में चले जाएंगे।
सर्कुलेटरी सिस्टम को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, डेंस होती है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो लिटल होती है। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सबसे पहले इसमें सर्कुलेटरी फ्लूड होता है जिसको ब्लड कहते हैं। उस ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हार्ट कहते हैं, और इसी तरह ट्यूब्स होती हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनको आगे से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं आर्टरीज में, कैपलरीज में और वेन्स के अंदर। अब टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो ब्लड को डायरेक्टली पंप किया जाएगा इनटू द स्पेसेस बिटवीन द टिश्यूज, और ब्लड जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सेल के साथ, और ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड से जो है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेंगे। ये सिस्टम जो है ये इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो रिक्वायर होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जा सकता और ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो होता है। इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल्स अगर डिस्कस करें तो ये सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होता है। इसमें जो है वो क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसी तरह स्पाइडर्स वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह मेजोरिटी जो मोलस्क होते हैं जिनमें स्नेल्स हैं, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी तरह प्री कॉर्डेट्स जो कि क्लोजरी जिसमें ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं और ये क्लोजरी रिलेटेड होते हैं कॉर्डेट्स के, इनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है और इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं जिसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको आर्टरीज, कैपलरीज और वेन्स कहते हैं। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, कैपलरीज जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं, में इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिएंट्स के और गैसेस के। इसी तरह वेन्स जो हैं वो वापस ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ वापस लेके आती हैं। ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता सेल्स के। हाँ, ब्लड का कम्युनिकेशन जो सेल्स के थ्रू होता है वो थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और ये सिस्टम जो है ये बहुत ही एफिशिएंट है, और इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं, और ब्लड जो है वो फास्ट स्पीड से मूव करता है वेसल्स के अंदर। इसमें एग्जांपल्स में हम जिन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे वो एनिलीड्स से बिलोंग करते हैं जिसमें अर्थवॉर्म आ जाता है। इसी तरह इसमें क्लास सेफलोपॉड के मोलस्क आ जाते हैं जिसमें स्क्विड और ऑक्टोपस को हम पढ़ते हैं। इसी तरह इसमें इकाइनोडर्म्स आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो है फिशेज से लेके मैमल्स तक, यानी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। अब हम लोग ये दो सिस्टम्स आपको डायग्राम में शो किए गए हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स की डिफरेंशिएशन नहीं है आर्टरीज, वेन्स या कैपलरीज। इसमें जो है वो हार्ट पंप करेगा ब्लड को इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, और सेल्स जो है वो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे और वेस्ट को उसमें रिमूव कर देंगे। ब्लड जो है वो वापस डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो हार्ट के अंदर चले जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डिफरेंशिएटेड होती हैं टू आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज। कैपलरीज जो हैं वो ब्लड और टिश्यूज के अंदर मौजूद सेल्स के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट का एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके क्वेश्चंस को अप्रिशिएट किया जाएगा।